हेलो दोस्तों, मैं तनवीर रजा, आपके अपने कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और केमिस्ट्री के पार्ट वन क्लास 12 का जो केमिस्ट्री आपका है, उसमें हेलोअल्केन्स हेलोएरीन का पार्ट वन वीडियो डाला गया था, जिसमें हेलोअल्केन्स का वर्गीकरण बताया गया था। हेलोअल्केन्स का वर्गीकरण दो तरीके का, एक हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, जो पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या लिंक दिया जाएगा, उससे आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का समझ में वो बहुत कम आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछों के वीडियो जो डाला गया है, पहले आप उसको मेंशन करिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज आपका सेकंड पार्ट डाला जा रहा है, जो सेकंड पार्ट है कार्बन हैलोजन की बंद की प्रकृति के आधार पर। जो हैलोजन का वर्गीकरण है, यह कार्बन और हैलोजन के बंद की प्रकृति के आधार पर है। और इसके आधार पर जो बांटा गया है वह तीन तरीके का बांटा गया है। पहला आपका कार्बन और हैलोजन के बीच सिंगल बंद वाला, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहला आपका हो गया। दूसरा कार्बन और हैलोजन के बीच डबल बॉन्ड, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा कार्बन और हैलोजन के बीच, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यह आपका कार्बन हैलोजन के बंध की प्रकृति के आधार पर हो गया। जब कार्बन और हैलोजन एकल बंध वाले से जुड़ा रहेगा, उसे इस ग्रुप में रखा जाएगा और उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। अगर कार्बन हैलोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन हैलोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब उसे या तब वहाँ आपका sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। चलिए, तो शुरू किया जाता है आपका पहला, जैसे कोई एग्जांपल रख लिया गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL, CH3 CH डबल बॉन्ड CH का है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन का। अब ये आपका दोस्तों एग्जांपल है, पहला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इस पे दो H और एक हैलोजन ग्रुप लगाया हुआ है, जिसे क्या नाम दिया गया है, अलाइलिक। अब ये जो आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हर जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। जब हैलोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। और जहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 का होगा। तो जब हैलोजन ग्रुप किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है, तब वह स्थिति अलाइलिक की कहलाएगी। कहने का मतलब, यह हैलोजन ग्रुप एकल बंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह एकल बंध वाला कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्थिति अलाइलिक की कहलाती है। जो आपका दूसरा एग्जांपल रखा गया है, बेंजीन रिंग, और यह कार्बन चारों तरफ से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सीएल, और ये आपका बेंजीन का बॉन्ड। तो इस वाले में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जो आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है सिंगल बंद से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद यहाँ आपका डबल बॉन्ड शुरू होता है, इसलिए इस पोजिशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस स्थिति को बेंजाइलिक कहा जाता है। जब बेंजीन रिंग पे लगा हुआ हैलोजन एकल बंध की सहायता से चारों तरफ से जुड़ा होता है, वह sp3 का, और जहाँ से आपका sp2 आता है वहाँ डबल बॉन्ड उपयोग कर दिया गया होता है, तो आपका बेंजाइलिक कहलाता है। तीसरा आपका आता है CH2 डबल बॉन्ड CL सिंगल बॉन्ड CL, जब हैलोजन ग्रुप सीधे डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा होता है। जब हैलोजन ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, वेनाइलिक। और ऐसे ही बेंजीन पे जब डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप से जुड़ा होता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एरिल। तो ये आपका कार्बन हैलोजन के बंध की प्रकृति के आधार पर, पहला CX सिंगल बॉन्ड जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CX डबल बॉन्ड जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, CX ट्रिपल बॉन्ड जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जहां आपका डबल बॉन्ड रहेगा वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहां sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल है दोस्तों, आपका CH
ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एल। अभी जो आपका सी एल है यहाँ डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यह जो तीन स्ट्रक्चर बनाया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CCl सी पे दो एच, तो जो हेलोजन ग्रुप Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह चारों तरफ से सिंगल से है और उसके बाद वाला जो कार्बन डबल से है, इस स्थिति को अलाइलिक कहेंगे। दूसरा आपका बेंजीन रिंग पर जो कार्बन जिस हेलोजन से जुड़ा हुआ है वह एकल बंध से जुड़ा हुआ है और वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, और उसके नीचे वाला यहाँ से जो शुरू हुआ है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, और जो आपका अगला है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। तो जब हेलोजन ग्रुप सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तब उसे हम विनाइलिक नाम देते हैं। और जो आपका अगला है जब बेंजीन रिंग पर सीधे हेलोजन डायरेक्ट जुड़ जाता है तब उसे हम एरिल नाम देते हैं। दोस्तों ये जो आपका अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एरिल है, यह एक नंबर के क्वेश्चन में आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसको आप एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ध्यान देंगे। तो ये रहा आपका कार्बन और हेलोजन के बंध की प्रकृति के आधार पर। अब जो आपका अगला टॉपिक आएगा हेलोअल्केन्स का निर्माण, और जो हेलोअल्केन्स का निर्माण जब शुरू किया जाएगा तो उसमें अलग अलग मेथड के द्वारा या अलग अलग विधि से हम हेलोअल्केन्स का निर्माण करते हैं। और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे या आधा देख के छोड़ देंगे तब तक आपको क्लियर नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसके नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि यस। चलिए अब जो आपका अगला टॉपिक है हेलोअल्केन्स का विरचन या हेलोअल्केन्स का निर्माण, और इसके निर्माण में हम पहली विधि हेलोअल्केन्स का निर्माण एल्कोहल के द्वारा करने जा रहे हैं। और इस एल्कोहल में हमें क्या क्या चाहिए हेलोअल्केन्स के निर्माण के लिए, एल्कोहल, हेलोजन अम्ल की सब क्रिया जब हम एक साथ कराते हैं तो हेलोअल्केन और जल प्राप्त होता है। चलिए एल्कोहल का मतलब आर ओ एच, हेलोजन का मतलब जितने भी हेलोजन ग्रुप के हैं वो आपका हो जाएगा आई बी आर और सी एल। अब इसको हमें अम्ल बनाना है, अम्ल क्या होता है जो हाइड्रोनियम आयन देता है या एच प्लस आयन देता है वो आपका अम्ल कहलाता है। तो सबके साथ हम एच जोड़ देंगे तो आपका सब अम्ल बन जाएगा, हेलोजनम एच आई, हेलोजनम एच बी आर, हेलोजनम एच सी एल, हेलोजनम। अब इन सब की अभिक्रिया हमें एल्कोहल से करानी है, तो जो एल्कोहल का सूत्र होता है आर ओ एच, तो आर के स्थान पे हम क्या रखेंगे सी एच थ्री, आर के स्थान पे सी एच थ्री रख दे रहे हैं। फिर उसके बाद ओ एच आपका ये कार्बन श्रृंखला आप जितना चाहे उतना इसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, तो आगे कार्बन की श्रृंखला हम अपने इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो आपका पहला एल्कोहल, दूसरा आपका सी एच थ्री ओ एच, तीसरा सी एच थ्री ओ एच, तो ये तीनों आपका एल्कोहल हो गया। अब इस तीनों एल्कोहल की अभिक्रिया हम हेलोजन अम्ल की सहायता से करा रहे हैं। जब हम हेलोजन अम्ल की सहायता से कराते हैं तो जल मॉलिक्यूल तीनों अभिक्रिया में से अलग हो जाता है। तो जब ये आपका अभिक्रिया करता है पहले जल मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाइड्रोजन कितना हो गया दो हाइड्रोजन हो गया। अब उसके बाद ओ बचा हुआ है तो ये ओ अलग कर लेंगे। अब उसके बाद जो आपका बचा हुआ है एक सी एच थ्री बचा हुआ है और एक आई बचा हुआ है, तो ये आपका सी एच थ्री और इसके साथ क्या जोड़ देंगे आई जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बन गया हेलोअल्केन्स। अब जो आपका दूसरा है उसी तरीके से इसमें भी हम कर लेंगे, जल मॉलिक्यूल को या जल के अणु को परमाणु को हम अलग कर लेंगे। जब इसको हम अलग कर लेंगे तो क्या बनाएगा जल बनाया। अब उसके बाद जो आपका सी एच थ्री है और बी आर है ये आपका हो जाएगा सी एच थ्री बी आर, लेकिन यह जो अभिक्रिया होती है एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, वह उत्प्रेरक एच टू एच ओ फोर होता है। तीसरी अभिक्रिया सी एच थ्री ओ एच प्लस एच सी एल की जब हम करा रहे हैं तो यह भी आपका उत्प्रेरक में होता है, निर्जल निर्जल जेडियन सी एल टू, यह उत्प्रेरक इसमें उपयोग किया जाता है। जब हम इस उत्प्रेरक की सहायता से कराते हैं तो इसमें जल मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब उसके बाद सी एच थ्री किसके साथ जुड़ जाएगा सी एच थ्री सी एल के साथ जुड़ जाएगा। तो ये रहा आपका हेलोजन अम्ल की सहायता से
अभिक्रिया, जो आपका चौथा है एफ वाली, जिसे अगर हम एफ वाले के साथ कराना चाहते हैं सी एच थ्री ओ एच प्लस एफ हेलोजन अम्ल बनाएंगे तो एच एफ के साथ अभिक्रिया नहीं बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि एफ के अणुओं की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए हाइड्रोजन और एफ के बीच जो बंध है वह बहुत मजबूती से बंधा होता है, ये नहीं टूटता है। जब ये नहीं टूटता है तो इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए हम इस स्टेप में हेलोजन और एफ के साथ अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो बस इसी तीन के साथ, आई के साथ, बी आर के साथ, सी एल के साथ हम अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो हर जगह से जल मॉलिक्यूल क्या होता है, अलग हो जाता है, जल के भाग अलग हो जाते हैं और जो बचता है हम दोनों को एक साथ में रख देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, हेलोअल्केन्स। ये आपका हेलोअल्केन्स, ये आपका हेलोअल्केन्स और ये हेलोअल्केन्स, और तीनों में जल का भाग क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो आप ये आपका रहा क्या, हेलोअल्केन्स का निर्माण एल्कोहल के द्वारा। तो अगली विधि हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और इसके पार्ट वन का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वहां से देख सकते हैं इसका पार्ट। तो थैंक यू दोस्तों।